नेशनल हाईवे बनाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मेरठ के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे जितना शानदार बना है, इस दिशा में बहुत संकेत देने वाला बजट है। और मैं यह भी कहूंगा कि भारत सरकार का जो बजट आया है, इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को लाभ होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा 2017 से 22 तक यूपी की जनता को मिला है और 2022 से 27 तक भी डबल इंजन की सरकार का फायदा हमें मिलेगा। और इस विश्वास के साथ आज मैं अपनी बातें यहां पर एमएसपी को, जिसको विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो नेता हैं, दल हैं, मुद्दा बनाते हैं। आज के बजट में 2.7 लाख करोड़ का एमएसपी के लिए बजटी प्रावधान किया गया है। खरीद को लेकर के भी ये बड़ा कदम है। तो किसान की दृष्टि से, गरीब की दृष्टि से, नौजवानों की दृष्टि से, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से, जो एक विशेष तौर से अनुसंधान के रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान की दृष्टि से 25% जो बजट की बढ़ोतरी की गई है, वह भी सराहनीय है। मैं समझता हूं मेरी ओर से यही कहना है कि यह बजट क्रांतिकारी है और जिनको भी यह बजट अच्छा नहीं लगता है वो आलोचना करने के लिए आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वह मजबूर हैं, वो प्रशंसा नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट है और यह अमृत वर्ष है, आजादी के 75 साल वाला बजट है। इसलिए इस बजट का बहुत बड़ा परिणाम देश के वर्तमान के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगा। धन्यवाद। बजट पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह 10वां बजट है। यह बजट मैं कहूँ कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक क्रांतिकारी बजट है। इसमें विशेष तौर से गरीबों के लिए, नीचे बैठ जा, किसानों के लिए, नीचे बैठ जा, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह बजट अपने आप में इतिहास रचने वाला है। इस बजट का बहुत परिणाम होगा और यह भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट में तो देश का है, लेकिन इसमें सबसे अधिक लाभ जो है वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने 2017 से 2022 तक जबरदस्त काम किया है, विकास किया है, जो कुछ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं था वो उपलब्ध कराया। कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि ये जो बजट है वो धनवान क्षेत्रों के लिए है, गरीबों के लिए या आम मध्य वर्गीय परिवार के लिए नहीं। देखिए, आलोचना करने के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट का अध्ययन कर ले, ना हो तो अपनी टीम से अध्ययन करा ले। ये एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो वाला बजट नहीं है, ये हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। इस बजट को समझें तब बोले। नहीं, जो इत्र डाल करके 280 करोड़ रुपया एक साथ इकट्ठा कर देते हैं उनको बजट ही कैसे प्यारा होगा, जिनकी सोच जिन्नावादी है, जिनकी सोच अपराधियों के समीकरण की है, जिनकी सोच दंगाइयों के संरक्षण की है, जिनकी सोच कैराना सहित उत्तर प्रदेश में लोगों को पलायन करने के लिए विवश करने वालों को, लोगों को टिकट देकर के विधानसभा ले जाने की है, वह जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना है। टोपी को लेकर एक बयान दिया, क्या कहा? मैं यही कह रहा हूं कि ये जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, कोई जेल में है, कोई बेल में है और ऐसे अपराधियों के सर पे आजकल आप लाल टोपी देखते होंगे और जेब में उनके जालीदार टोपी रहती है, जिन्हें कोरोना का टीका भी नहीं पसंद होता, जिन्हें माथे का टीका भी नहीं पसंद होता है। भारतीय जनता पार्टी विकासवादी सोच की पार्टी है और हमारी सरकार ने विकास की दृष्टि से काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता हमारे विकास कार्यों से खुश है। मेरठ से लेकर के दिल्ली तक मैं भी पहले आता था, 2.5 से 3 घंटे लगते थे,
अब 40 मिनट में हम भी पहुंचते हैं, वैसे ही प्रदेश में चमाचम सड़कें बन रही हैं। और आज जो बजट भी आया है, उस बजट के माध्यम से एक तरह से चाहे हाईवे बनाने का मामला हो, चाहे 2,70,000 करोड़ का MSP की दृष्टि से खरीद, किसानों की उपज की खरीद की दृष्टि से संदेश देने वाला बजटीय प्रावधान करने वाला बजट हो, चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा बजट में बढ़ोतरी करने का विषय हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज संसद में बजट प्रस्तुत किया है, वह देश को बहुत आगे ले जाएगा। यार अमृत काल का वर्ष है, या हमारी आजादी के 75 साल, चूंकि मैं मेरठ में हूँ, या तो क्रांति धारा है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बजट क्रांतिकारी है, सभी क्षेत्र में क्रांति पैदा करेगा। और आप एकदम भरोसा रखिए, आप एकदम भरोसा रखिए, हमें किसी को पलटाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 2019 में इस गठबंधन को पहले ही पलट दिया है, और 2022 में तो भतीजा अलग है, बुआ अलग है। और अभी तो मैनपुरी में कल हमारे करहल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी ने भी पर्चा दाखिल किया है। आप पता कर लीजिएगा, कल श्री अखिलेश यादव जी को नींद नहीं आई होगी, उनको समझ नहीं आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा या चाल चल दिया। अगर उनको मालूम होता तो वहाँ अब नाम ना वापस ले लें, अब उनको ये होगा कि मैसेज खराब जाएगा, शायद नाम वापस ना लें। लेकिन 10 मार्च को आप भरोसा रखिएगा, जब वोटों की गिनती होगी, आपकी नज़र भी रहेगी, नज़र रखिएगा, मैनपुरी की करहल सहित चारों सीटों पर जीत का चौका लगेगा, कमल खिलेगा, और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। टेक्नोलॉजी ने दिया है कि समाजवादी पार्टी खुद समाजवादी पार्टी का नाम ले लेगी। हाँ, निश्चित तौर से 10 मार्च की मैंने 10 मार्च के लिए बताया है, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी और एंड कंपनी देख रही है कि वो सत्ता में वापस आएंगे। कोई भी अपनी सुरक्षा को खतरा नहीं चाहता, कोई भी दंगा नहीं चाहता, कोई अंधेरा नहीं चाहता, उजाला चाहता है, कोई गड्ढा युक्त सड़कें नहीं चाहता, कोई बेटी बहन अगर विद्यालय जा रही है तो वो सुरक्षित वापस आवे, हर माँ बाप यही चाहता है। यहाँ मेरठ का ही सोतीगंज, आप सब जानते हैं, मुझे मेरठ के लोगों ने बताया, यहाँ पर अभी समय सिंह सैनी जी बैठे हैं मेरे साथ, बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सम्रांत लोग अगर लेकर के गाड़ी अपनी चारपहिया से जा रहे हैं तो पीछे से मैं नारा लगाया करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, निश्चित उसके अंदर गुंडा। और जो खाली प्लाट, यहाँ एक सपा का नारा रहता था, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। तो यह गुंडागर्दी का अंत भाजपा ने किया है, और कोई उत्तर प्रदेश के अंदर इस गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना चाहता है। धन्यवाद। श्री अखिलेश यादव जी की या अराजकतावादी नीति का जवाब इतना करारा मिलने वाला है, मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने एक रणनीति बनाई है, कि हम ऐसे नारे लगवा करके और